Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टेस्ट करने वाला हूँ कुछ ऐसे वियर्ड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स जिन्हें मैंने ऑर्डर किया हुआ है और आज हम उन सबको टेस्ट करेंगे कि क्या वो सच में वैसे ही वर्क करते हैं जैसा वो क्लेम करते हैं या सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए मुझे कि एनकी टीवी देखना आपको क्यों पसंद है जिससे कि मैं आपका नाम वीडियो के अंदर फ्लैश कर दूं। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लड़कों की क्या होती है, जो बम होती है या फिर जो बट का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको स्क्वाट्स करने चाहिए, लेकिन जो स्क्वाट्स वाला वर्कआउट होता है उससे आपके बट को एक कर्व देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 4 से 5 या मोर देन 6 मंथ्स भी लग जाते हैं। बट अगर आपको एक क्विक फिक्स चाहिए तो आप इस टाइप का बट इनहेंसर जो अंडरवेयर होता है ये आप पहन सकते हैं, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें पीछे की तरफ देखिए यहाँ पे पैड लगा हुआ है कि काफ़ी मोटा है और आगे की तरफ ये जैसा नॉर्मल अंडरवेयर होता है वैसा ही है ब्रीफ स्टाइल में। एंड इट क्लेम्स कि अगर आप इसको पहनेंगे तो आपके बट को एक प्रॉपर शेप मिल जाता है, आपका बट एकदम फुलर लगने लग जाता है। तो लेट्स टेस्ट इट। सो गाइज, ये है मेरे नॉर्मल बट का साइज जो कि काफ़ी डिसेंट है और अब ट्राई करते हैं ये बट इनहेंसर अंडरवेयर। तो मैंने इसको यहाँ पे पहन लिया है, पहन के बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लग रहा था, इट वॉज नॉर्मल। एंड यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैड लगा हुआ है, कुशन लगा हुआ है विच इज़ इनहेंसिंग माई बट। गाइज, जैसा कि हमने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और सच में बट को एक बहुत अच्छा प्रॉपर शेप मिल जाता है। जो आपका पर्पज है उसको सॉल्व कर रहा है, ये है 525 रुपये का बट इनहेंसर अंडरवेयर। अगर आपके फ्लैट बम है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, इट्स गोना चेंज योर लाइफ। अब जो हम टी शर्ट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं तो जो निप्पल्स होते हैं उन्हें दिखने लग जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑड दिखता है और बहुत ख़राब भी लगता है। तो इसके लिए इस टाइप के निप्पल पेस्टीज आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिल्कुल आपकी स्किन के कलर के होते हैं। 249 रुपीज़ के हैं और इसमें आपको कम से कम 10 पेयर मिलते हैं और इसको आपको बस निकालना है और जहाँ पे भी आपका निप्पल है वहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए और आपके जो निप्पल दिखने लग जाते हैं वो नहीं दिखते हैं कपड़ों के ऊपर से। सो गाइज, दिस इज हाउ निप्पल पेस्टीज लुक्स लाइक। ये बिल्कुल स्किन की कलर का बना हुआ होता है जिससे कि आपकी स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने अपने निप्पल के ऊपर लगा लिया है। गाइज, वन इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप इसको अप्लाई करें तो आपके जो चेस्ट के हेयर है वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए वरना निकालते टाइम काफ़ी पेनफुल हो सकता है। एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन, बिल्कुल भी मेरे निप्पल नहीं दिख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो यू कैन बाय, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी मैं देता हूँ 10/10। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैंने ऑर्डर किया है जिन लोगों की चेस्ट थोड़ी सी हैवी होती है, जिनको मैन बूब्स की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंप्रेशन टैंक टॉप्स हैं जो कि आपको चेस्ट को एकदम प्रॉपरली स्क्वीज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कंप्रेशन टैंक टॉप ऑर्डर किया है मीडियम साइज का, नॉर्मल टैंक टॉप से इसका साइज बहुत ज़्यादा कम है। सो गाइज, दिस इज माई नॉर्मल चेस्ट लुक्स लाइक, थोड़ी सी ये फूली हुई है बिकॉज आई हैव नॉट वर्किंग आउट वेरी रेगुलरली। अब ट्राई करते हैं ये कंप्रेशन टैंक टॉप, इसको मैंने पहन लिया है और पहनते के साथ ही इसने मेरी चेस्ट को पूरी तरह से स्क्वीज कर दिया है और एक प्रॉपर शेप मिल गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे जो मैन बूब्स हैं वो काफी विजिबल हैं, चेस्ट को सप्रेस करके एक बहुत अच्छा सा शेप दे दिया है। डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। ये जो टैंक टॉप है आपको पड़ता है 479 रुपीज़ का, सो मैं इसको भी देने वाला हूँ 10/10, ये भी पास हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो है टमी टकर। आई थिंक आजकल हर किसी को इसकी ज़रूरत है, थोड़ा बहुत टमी निकल ही आता है, पर अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, आपको एक प्रॉपर शेप की ज़रूरत है तो आपको इस टाइप का टमी टकर पहनना चाहिए। ये एक्चुअली क्लेम करता है कि आपका वेट लॉस करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। सो दिस इज़ हाउ माई टमी लुक्स लाइक, थोड़ा बहुत फैट आ गया है। अब ट्राई करते हैं ये वेट लॉस टमी टकर। इसको थोड़ा सा पहनना मुश्किल था बट पहनने के बाद बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था और इसने पूरा का पूरा फैट सप्रेस कर दिया है। इसको पहन करके मैंने देखा है बिल्कुल भी खराब नहीं है, यानी बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा ये क्लेम करता है। ये टमी टकर आपको पड़ेगा 299 रुपीज का, मैं इसको दूंगा 8/10। नेक्स्ट इज इंटीमेट वाइप्स फॉर मैन। मैंने एक्चुअली इंटीमेट वाइप्स यूज करे हुए हैं बहुत सारे ब्रांड्स के, बट एक रिसेंटली एक ब्रांड आया हुआ है स्विश का जो कि बहुत ज्यादा वायरल है आजकल इंस्टाग्राम में। ये कहते हैं कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बने हुए हैं, विटामिन ई है और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको मैं ट्राई करके आता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि यूज करने के बाद ये कैसा लगता है। तो चलिए ट्राई करते हैं स्विश के इंटीमेट वाइप्स, और इसको मैंने यहाँ पे एक वाइप निकाल लिया है और मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ अच्छे से, इंटीमेट एरिया को क्लीन कर रहा हूँ। गाइज, ये बिल्कुल नॉर्मल वाइप्स की तरह ही लगा मुझे। 249 रुपीज में आपको 4 पैकेट्स मिलते हैं और हर पैकेट में आपको 10 वाइप्स मिलते हैं, सो आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी। आप इसको यूज कर सकते हैं, मैं इसको दूंगा 7/10। नेक्स्ट इज नोज हेयर, ईयर हेयर के लिए एक ट्रिमर आया है स्पेशली जो कि मुझे अमेजोन में मिला था। इसमें काफी सारे आपको क्लिप्स मिल जाते हैं जो कि आपके आईब्रोज, नोज, ईयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये बैटरी से चलता है, यानी कि आपको इसको यहाँ पे सेल लगाना होता है एंड दैट्स इट। आप सुन सकते हैं इसकी आवाज भी काफी तेज है, तो आप इसको यूज करके देखते हैं कि ये एक्चुअली में जैसा क्लेम करता है वैसा वर्क करता है या नहीं।
तो सबसे पहले मैं अपने नोज़ के हेयर ट्रिम करता हूँ, और नोज़ के हेयर ट्रिम करते टाइम बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगा, आराम से सारे बाल हट गए। अब मैं ईयर के हेयर ट्रिम कर रहा हूँ एंड यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से सारे बाल ट्रिम हो गए हैं। सो फॉर मी मुझे ये ठीक ठाक लगा, और आपका जो पर्पज़ है एक्चुअल वो सर्व करता है। और ये पड़ा था मुझे 494 रुपीज़ का, सो यानी कि 500 रुपीज़ में आपको एक ईयर का और नाक का ट्रिमर मिल रहा है या फिर आईब्रोज का। सो आई एम गोना गिव दिस ट्रिमर 8 out of 10। दो पॉइंट्स में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ है, दैट्स इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो है हम लड़कों के लिए, एक्चुअली एक बियर्ड एप्रॉन है। हम बियर्ड बनाते हैं तो जो बाल होते हैं वो सिंक में इधर उधर गिर जाते हैं या फिर फर्श में गिर जाते हैं, तो इसको अगर आप पहन करके एप्रॉन की तरह पहन लीजिए। और इसके साथ आपको एक जो स्टिकर्स भी मिलते हैं जिसको आप शीशे में लगा सकते हैं, देन यू कैन ट्रिम योर बियर्ड। तो आपके जो सारे बाल हैं वो इस एप्रन में चले जाएंगे एंड आपका पूरा जो इन्वायरमेंट है इधर उधर का वो गंदा नहीं होगा। ये जो बियर्ड एप्रन है ये मुझे पड़ा है 349 रुपीज़ का, चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे बियर्ड एप्रन पहन लिया है, पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो इसका नीचे का पार्ट था जहाँ पे मुझे इसको शीशे में स्टक करना था वो बार बार निकल के आ रहा था, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स रियली फैंसी। अब चलिए बियर्ड ट्रिम करते हैं। सारे बाल तो अच्छे से इसने कैप्चर कर लिए, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो नीचे का पार्ट है वो बार बार निकल रहा था, दैट वॉज लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बट अदर देन दैट एवरीथिंग वॉज फाइन। अब चलिए इसको निकाल करके सारे बाल डस्टबिन में डाल देते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ मेस। तो मुझे ये टेस्ट करके ठीक लगा, आई थिंक कि इट्स अ फैंसी आइटम और इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीचे पेपर भी बिछा लेंगे तो भी आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। मैं इसको देने वाला हूँ 7 out of 10। नेक्स्ट इज एक मैंने मिलिट्री जैकेट देखी थी अमेजोन में जो कि मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी थी, मुझे ऐसा लगा कि इसका क्या मकसद हो सकता है। जब मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये बुलेट प्रूफ है, तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बुलेट्स आती रहती हैं या गोलियाँ चलती रहती हैं तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं। बट आई थिंक कि नॉर्मल जो लोग हैं, हम लोग हैं जो नॉर्मल सिटीज़ में रहते हैं जिनको कोई बुलेट का खतरा नहीं है, तो उनके लिए तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। सो आई एम नॉट श्योर कि इनको फैशन कैटेगरी में क्यों डाला हुआ है। ये जैकेट मुझे पड़ी है 1100 रुपीज़ की। तो चलिए पहनते हैं अब ये मिलिट्री जैकेट। पहन करके इस तरह से लग रही थी, मुझे थोड़ी सी वियर्ड लग रही थी क्योंकि अगर मैं इस टाइप की जैकेट बाहर पहन के जाऊँगा तो लोग ऑफकोर्स देखेंगे क्योंकि ये नॉर्मल जैकेट की तरह नहीं है, बट ओवरऑल इट लुक्स फाइन। अगर आप इसको नॉर्मल टी शर्ट के ऊपर पहनेंगे तो इतनी बुरी नहीं लग रही है, थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, यूनिक सी लग रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसे हम पास कर दें या फिर फेल कर दें, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। लास्ट आइटम इज स्टर्स की इनहैंस क्रीम फॉर मैन। ये एक्चुअली क्लेम करती है कि आपके प्राइवेट पार्ट के लिए है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके प्राइवेट पार्ट को गोरा भी बनाती है, ड्राइनेस को भी कम करती है और एक अच्छी सी खुशबू भी देती है। सो लेट्स ट्राई दिस। सो गाइस मैं भी इसको लगा के आता हूँ फिर बताता हूँ आपको कि कैसा लगा मुझे। बिल्कुल जस्ट लाइक ए नॉर्मल क्रीम, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। तो अब मैं आपको इस क्रीम की कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल क्रीम की तरह है और ये स्किन पे अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होती। आपको इस क्रीम से बहुत अच्छे से मसाज करनी पड़ेगी। तो मुझे एक्चुअली खास इतनी कुछ लगी नहीं ये क्रीम, ऐसे जो नॉर्मल क्रीम्स होती हैं वैसे ही लग रही थी मुझे, जैसे जो हम फेस पे लगाते हैं, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं लगा मुझे इसमें। 649 रुपीज़ की ये क्रीम मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगी। अगर आप भी कुछ ऐसी क्रीम ढूंढ रहे हैं जो कि आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया को गोरा कर देगी तो इसमें तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिएगा। तो मैं इस क्रीम को दूंगा 2 out of 10, 2 ओनली फॉर फ्रेग्रेंस, अदर देन दैट इसका कुछ भी यूज नहीं है, सो इट्स अ फेल। सो गाइज ये थे कुछ ऐसे वियर्ड प्रोडक्ट्स, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स फॉर मैन जो कि मुझे लगा कि हमें डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए, टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, हर जगह इनके इतने ज्यादा एड्स हैं, हर लोग इनको यूज कर रहा है। तो अगर आप भी इन प्रोडक्ट्स को कुछ खरीदना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख के आपको काफी हेल्प मिल गई होगी कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। That was it for today's video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट करके बताइए मुझे कि अंकित देखना आपको क्यों पसंद है, एंड या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।